महिमा महिमा इस सुबह हर जगह तेरी महिमा महिमा इस सुबह। सालों दो मिनट स्वस्थ में आप तमाम लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। भजन संहिता 23 पद 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन में एक चरवाहा का होना बेहद जरूरी है। हमें से अधिकतर लोग जो लोग अपने नीड के प्रति भाग रहे हैं, इस सुबह भी हमारी आंखें लोगों पर लगी हुई होगी या सरकार पर लगी होगी या अपने परिवार के किसी सदस्य पर लगी होगी, क्योंकि हमारी ज़रूरतें उनसे पूरी हो रही है, आपकी ज़रूरतें उनसे पूरी हो रही है। लेकिन आपके जीवन की भरपूरी का एक जो महान रहस्य है, आज की सुबह इस पद में छुपी हुई है। जरा इस पद को वापस स्क्रीन में देखें। ये वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड एंड आई शैल नॉट वांट। क्योंकि परमेश्वर आपका चरवाहा है, आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। जिस समय आपका चरवाहा आपके परिवार वाले बनते हैं, आपके भैया बनते हैं, आपके पापा बनते हैं, आपके मित्र बनते हैं, आपका बैंक बनता है, आपके 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 सोने बनते हैं, आपका रखा हुआ बैंक बैलेंस बनता है, जिस समय आपका चरवाहा इनमें से कोई भी लोग बनता हो, उसी समय आपकी ज़रूरतें आकर आपके गले को दबोच लेती हैं। दाऊद के पास में कोई ज़रूरत नहीं थी और उसका एक मुख्य रहस्य था, क्योंकि उसका चरवाहा यहोवा था। हम में से अधिकतर लोग इस वचन को बहुत ही जपते रहते हैं, जैसे मानो हमने इसका माला ले रखा और जप रहे हैं। लेकिन इस बात को समझिए, इसको बोलने से पहले, कि कौन है आपका चरवाहा। ये हम सब मसीह लोगों को शायद इस सुबह एक आईना भी दिखाता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब अगर आपके पास में घटी कमी है तो फिर यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। अगर ज़रूरत के समय में आप बैंक के पास में लोन लेने जा रहे हैं, फिर यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। अगर मुसीबत के समय में आप दूसरों से सहायता मांग रहे हैं, फिर यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। अगर मुसीबत के समय में आज आप लोगों को दोष दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी सहायता नहीं की, तो फिर यहोवा आपका चरवाहा नहीं है। आपकी समृद्धि, आपकी शांति, आपका 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 भरपूरी, आपका आपका आत्मिक जीवन में उछाल आना, ये सब चिन्ह हैं कि यहोवा आपका चरवाहा है। अगर ये बातें आपके जीवन में पूरी नहीं, तो बजाय इसके कि आप दूसरों पर दोष लगाएं, कुछ समय लेकर प्रार्थना क्यों नहीं करते, कुछ समय लेकर अपने हृदय को साफ क्यों नहीं करते, कुछ समय लेकर परमेश्वर के साथ में अपने हृदय को चेक क्यों नहीं करते। क्योंकि ये वचन खुद आपको आपका आईना दिखा रही है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसके विपरीत हमारे जीवन में घटी कमी होती है और हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। दैट कैन नॉट बी ट्रू। अगर आपका चरवाहा परमेश्वर है तो आपके पास में कोई घटी कमी नहीं होगी। और सबसे पहली कमी जो नहीं होगी वो है शांति की, क्योंकि जो चरवाहा हमें सबसे पहली चीज़ देता है वो है शांति, वो है शांति। इसीलिए इस सुबह निर्णय लें कि आपका चरवाहा आपका गोल्ड लोन नहीं होगा, आपका चरवाहा आपका भाई बहन नहीं होगा, आपका चरवाहा आपका समाज नहीं, आपका सरकार नहीं, आपका चरवाहा आपके लोग नहीं, लेकिन आपका चरवाहा यहोवा होगा। व्हेन यू टेक दिस डिसीजन दैट ओनली शेपर्ड दैट यू हैव इन योर लाइफ इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वही मोमेंट होता है जब आप
एक विजय का जीवन जीते हैं और आप भी फिर कह सकते हैं कि मुझे कुछ घटी कमी नहीं है. सो कम इन दैट पॉइंट एंड डिक्लेयर एंड डिक्री दैट द लॉर्ड इज योर शेपर्ड एंड यू शैल नॉट वांट. एंड दिस मॉर्निंग आई डिक्लेयर एंड डिक्री by the power of the Holy Spirit and by His truth that in the mighty name of Jesus Christ, each one of you who's listening me, who are the influenced by my voice, that they will not be in any need. Right now, I declare and decree in the mighty name of Jesus Christ. I declare and decree in the mighty name of Jesus Christ that anyone who is under the influence of my voice, who's listening me, who's getting influenced by the sound wave of this mobile right now, in the mighty name of Jesus Christ, they shall not want. Because soon, because very soon, only one thing, only one person will be their shepherd, and that shepherd is Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, I declare and decree. In the mighty name of Jesus Christ, I claim. And in the mighty name of Jesus Christ, I set them free. In Jesus' name, amen, amen, amen. God bless you. Just know that we are praying for you, and we are praying for you, and we are here for you. Any need, write us, call us, and we would be praying for you. Bless you. Teri mahima, mahima, is subah.